नमस्कार, मैं हूँ श्रुति शर्मा। मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज 360। केरल हाई कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी है। केरल में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को नहीं चलाने का आदेश दिया था। एनजीटी ने केरल के 6 शहरों में 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों पर बैन लगाया था। एनजीटी के आदेश के मुताबिक 30 दिनों के अंदर 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को सड़क से हटाना था। नियम का पालन नहीं करने वालों पर एनजीटी ने 10,000 का जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया था। इसके अलावा एनजीटी ने 2000 सीसी से ज्यादा इंजन वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई थी। इससे पहले दिल्ली में 2000 सीसी से ज्यादा इंजन वाली डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर बैन लगा हुआ है। और मारुति ने गाड़ियां रिकॉल करने की एक झड़ी सी लगा दी है। कुछ दिन पहले एसक्रॉस रिकॉल करने के बाद अब मारुति ने 75,419 प्रीमियम हैचबैक बलिनो और 1,961 डिजायर डीजल कारें रिकॉल की हैं। बलिनो के एयरबैग सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी पाई गई है, जबकि डिजायर डीजल के फ्यूल फिल्टर को बदला जाएगा। एस क्रॉस को रिकॉल करने के कुछ दिन बाद ही मारुति सुजुकी ने अपनी प्रीमियम हैचबैक बलेनो को रिकॉल करने की घोषणा की है। कंपनी का कहना है कि बलेनो के एयरबैग सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है। इसके अलावा मारुति ने कॉम्पैक्ट सेडान डिजायर को भी रिकॉल किया है। मारुति पेट्रोल और डीजल दोनों वेरियंट की 75,419 बलेनो रिकॉल कर रही है। 3 अगस्त 2015 से 17 मई 2016 के बीच मैन्युफैक्चर की गई बलेनो को रिकॉल किया गया है। कंपनी इन कारों के एयरबैग कंट्रोलर सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करेगी। इसके अलावा 3 अगस्त 2015 से 22 मार्च 2016 के बीच बनी 15,955 डीजल बलेनो के फ्यूल फिल्टर की जांच करेगी और खराब फिल्टर को बदला जाएगा। इनमें एक्सपोर्ट की गई 17,231 बलेनो भी शामिल हैं। कंपनी ने एजीएस ट्रांसमिशन की 1,961 डिजायर डीजल कारों को भी रिकॉल किया है। इनके फ्यूल फिल्टर में गड़बड़ी मिली है, कंपनी फ्यूल फिल्टर को रिप्लेस करेगी। मारुति सुजुकी ने बलेनो को अक्टूबर 2015 में लॉन्च किया था। अगर आपकी कार भी रिकॉल की श्रेणी में शामिल है तो आपको कंपनी के डीलर से संपर्क करना होगा। मारुति बिना किसी चार्ज के सॉफ्टवेयर अपग्रेड करेगी और खराब फ्यूल फिल्टर को ठीक करेगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब मारुति ने कारें रिकॉल की हों। इससे पहले मारुति 20,000 एस क्रॉस कारें रिकॉल कर चुकी है। पिछले साल कंपनी ने ऑल्टो 800 और ऑल्टो K10 कारें भी रिकॉल की थी। नंद कुमार नायर, जी। टाटा ग्रुप ने अपना ई कॉमर्स वेंचर सी लाइक यू लॉन्च कर दिया है। ये एक ओमनी चैनल वेंचर है, यानी सी लाइक यू हर फॉर्मेट में उपलब्ध होगा। मल्टी ब्रांड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर टाटा ग्रुप के अलावा दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। टाटा सी लाइक यू के लिए कंपनी ने 80 ब्रांड्स के साथ करार किया है। टाटा सी लाइक यू में जियोग्राफिकल मैपिंग का स्पेशल फीचर है, जिसके जरिए घर बैठे प्रोडक्ट्स सिलेक्टर कर नजदीकी स्टोर से डिलीवरी ले सकते हैं। और टाटा इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर KRS जामवाल का कहना है कि टाटा ग्रुप का ई कॉमर्स मौजूदा ई कॉमर्स कंपनियों से अलग है। इसमें 6 टाटा कंपनियों को शामिल किया गया है। KRS जामवाल से खास बात की हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने। टाटा ग्रुप ने ई कॉमर्स कारोबार में भी शुरुआत की है, लेकिन आपको नहीं लगता कि भारत के अंदर जो ई कॉमर्स कारोबार का अभी तक इतिहास रहा है वो इतना अच्छा नहीं रहा है? तो क्या वजह रही कि आप इसमें उतरे हैं और कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है और कितने रेवेन्यू का टारगेट है? हम कंज्यूमर को जो टाटा क्लिक में दिखाई पड़ेगा तो जो स्टोर में है वो इंटरनेट पर भी दिखाई पड़ेगा, और जो इंटरनेट पर दिखाई पड़ता है वो जाकर स्टोर में खरीद सकते हैं, स्टोर में खरीद सकते हैं और इंटरनेट पर भी खरीद सकते हैं, और अगर इंटरनेट पर खरीदा है तो स्टोर में वापस कर सकते हैं। अभी जो हैं ये प्रोडक्ट होंगे इसके अंदर, तो क्या सर्विसेज भी जैसे पेमेंट्स हैं और सॉल्यूशंस हैं? नहीं, एकदम अभी कोई पेमेंट्स में जाने में या लॉजिस्टिक्स में जाने में आइडिया नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत सारे पेमेंट सिस्टम्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, लोग कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, वॉलेट्स कई कई किस्म के हैं, और लॉजिस्टिक्स में भी बहुत प्लेयर्स हैं अवेलेबल। तो उनमें से जो भी कस्टमर को हमारे साथ पार्टनर करके जो भी कस्टमर को खुश करे, हम उन सबको एम्पैनल करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चौथी तिमाही में बेहद निराशाजनक नतीजे पेश किए हैं। चौथी तिमाही में बैंक का मुनाफा 1,115 करोड़ से बढ़कर 1,260 करोड़ रुपए का हो गया है। बैंक का नेट
इंटरेस्ट मार्जिन भी 3.27% से बढ़कर 3.54% हो गया है। चौथी तिमाही में बैंक की प्रोविजनिंग भी 7,949 करोड़ से बढ़कर 13,170 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। बैंक का ग्रॉस एनपीए करीब 1,00,000 करोड़ है। बावजूद खराब नतीजे के एसबीआई का शेयर 11% तक चढ़ा है। और एसबीआई का एनपीए बेहद खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। परसेंट टर्म में देखें तो ग्रॉस एनपीए 5.1% से बढ़कर 6.5% तक हो गया है, यानी पिछली तिमाही के मुकाबले 25,000 करोड़ रुपए का एनपीए बैंक के खाते में आया है। नेट एनपीए भी 2.89% से बढ़कर 3.81% हो गया है, यानी करीब 15,000 करोड़ रुपए एनपीए के तौर पर जुड़ा है। आपको बता दें कि बैंक ने 30,312 करोड़ का स्लीपेज भी घोषित किया है। चौथी तिमाही में बैंक ने अब तक की सबसे प्रोविजनिंग घोषित की है। और अरुंधति हमारे साथ जुड़ी हुई है, चेयरपर्सन एसबीआई। अरुंधति, आपसे जानना चाहेंगे, एसेट क्वालिटी में भी गिरावट हो रही है, इसको सुधारने के लिए अब आप क्या कदम उठा रही हैं? देखिए, ईआरसीज जो हमारे इंडियन ईआरसीज अभी हैं, उनको कैपिटल की जरूरत है, और लास्ट ईयर उन लोग बहुत सारे एसेट्स खरीदे थे, तो उनको जो मैनेजमेंट बैंडविड्थ है ये सारे एसेट्स को संभालने का, उसकी भी थोड़ा जो क्या करें, उनमें भी आई थिंक दे हैव सम कंस्ट्रेंट्स एंड दे नीड टू इंक्रीज इट। तो लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो हमारी एआरसीज हैं उनमें 100% एफडीआई अलाउ कर दिया है, तो हमें लगता है कि बहुत सारे अच्छे फंड्स हैं, बाहर के फंड्स हैं, जो ग्लोब के जगह जगह पे उनकी बड़ी बड़ी स्ट्रेस्ड एसेट्स की पोर्टफोलियोज हैं जो उन लोग चलाते हैं और अच्छी तरह से चलाते हैं। तो इन लोग में से बहुत लोग आना चाहते हैं देश में, और उन लोग वेट कर रहे हैं कि ये जो हमारी अभी नई जो लॉ बनी है उसके अंडर में रूल्स नोटिफाई हो जाए तो वो लोग भी आएंगे। वो लोग आने से हम लोग को और रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि ईआरसीज के संख्या बढ़ जाएंगे। तो ईआरसीज के तौर पे हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारा चीज भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसका भी जो नतीजा निकलता है वो आगे आगे चल के दिखेगा। लेकिन जितने भी उपाय हैं उस सारे उपाय की इस्तेमाल करके हम लोग चाहते हैं कि ये एसेट्स जितना जल्द से जल्द हो हम लोग रिजॉल्व कर पाए। जी बिल्कुल। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप बैड लोन्स बेचने की योजना बना रही हैं, और बैड लोन से बेचने के और क्या क्या ऑप्शंस हैं? ऐसा है कि आरबीआई ऑलरेडी जो इंटरेस्ट रेट है वो एमसीएलआर से जोड़ दिए है, यानी कि अगर हम डिपॉजिट के रेट काटे तो हमको लोन की भी रेट काटनी पड़ेगी। अब डिपॉजिट के रेट ऑलरेडी एसबीआई का सबसे कम है, सो इसीलिए डिपॉजिट के रेट हम लोग और ज्यादा अगर नहीं काट पाएंगे तो लोन की रेट भी उसमें भी कमी नहीं होगी, और आगे चल के क्या होगा वो देखा जाएगा, अभी हम कह नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे हम लोग इन्फ्लेशन के नंबर्स देख रहे हैं उससे तो लगता नहीं है कि जून में हम लोग की रेट में कोई चेंज आएगी। जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की चौथी तिमाही में मुनाफा 80% गिरकर 1,236 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। क्रूड कीमतों में आई गिरावट से कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। पिछले साल इसी दौरान कंपनी का कुल मुनाफा 6,285 करोड़ रुपए रहा था। इस दौरान कंपनी के टर्नओवर में भी गिरावट आई है। कंपनी के चेयरमैन बी अशोक से खास बात की हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने। एफआई को अगर हम देखें और एफआई 14-15 को देखें, उसके बाद रिकॉर्ड प्रॉफिट समट, इसमें किस तरीके से इसको देखें और इसका कितना फायदा आने वाला टाइम होने जा रहा है? इफ़ यू रियली लुक एट इट, देर हैज ऑल्सो बीन ग्रोथ इन वॉल्यूम्स, सो द एक्चुअल ड्रॉप इन टर्म्स ऑफ द टर्नओवर हैज बीन कॉम्पनसेटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय द इम्प्रूव्ड वॉल्यूम्स दैट इंडियन ऑयल हैज बीन एबल टू डू। But overall, due to sharp decline in world prices of crude oil as well as petroleum products, there has been a drop in revenues. अभी हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल का जो अपवर्ड ट्रेंड है $50 को क्रॉस किया गया, तो उसकी वजह क्या है? ये शॉर्ट टर्म जग है या फिर आप इस आउटलुक को किस तरीके से देख रहे हैं? आपका आउटलुक क्या होगा आने वाले टाइम में? See, if you look at the global position, the surplus situation continues.
At least all the reports say that there is no likelihood of a spike in crude oil prices substantially. So we also expect that the prices will continue to be range bound in the current range only. और मॉर्गन स्टैनली म्यूचुअल फंड ने एक बार फिर फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन घटा दी है. मॉर्गन स्टैनली म्यूचुअल फंड ट्रस्ट ने 31 मार्च को खत्म तिमाही के लिए फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन 15% घटाकर $87.9 प्रति शेयर कर दी है. आपको बता दें कि 31 दिसंबर को खत्म तिमाही में मॉर्गन स्टैनली ने फ्लिपकार्ट के शेयर की वैल्यूएशन 142 प्रति शेयर से घटाकर $103.97 प्रति शेयर कर दी थी. नए वैल्यूएशन से फ्लिपकार्ट की वैल्यू अब घटकर $939 करोड़ रह गई है. पिछले साल जून में कंपनी की वैल्यूएशन $1500 करोड़ आंकी गई थी. वैल्यूएशन घटाए जाने पर फिलहाल फ्लिपकार्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है. बदलते ग्लोबल इकोनॉमिक हालातों के बीच नीति आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की ग्रोथ के लिए एक मेगा रिपोर्ट तैयार की है. इस रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया गया तो देश में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की सूरत बदल सकती है. जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए टैक्स छूट के बजाय टैक्स को आसान बनाने की सिफारिश की गई है. इसके अलावा एक्सपोर्ट्स को टैक्स से छुटकारा देने की सिफारिश भी की गई है. इसके अलावा सभी तरह के इनपुट टैरिफ्स को फाइनल प्रोडक्ट पर लगने वाले टैरिफ से कम करने की सिफारिश भी की गई है. सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट क्लस्टर्स के लिए 2,000 से 3,000 स्क्वायर किलोमीटर की कोस्टल इकोनॉमिक जोन यानी CEZ बनाने की भी सिफारिश की गई है. CEZ में निवेश करने वाली वो कंपनियां जो कम से कम 6,700 करोड़ रुपए का निवेश कर रही हैं और 20,000 नौकरियां पैदा करेगी उन्हें 10 साल तक टैक्स छूट देने की सिफारिश की गई है. आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला 30 मई को भारत आ रहे हैं. पिछले 7 महीने में सत्या नडेला का ये तीसरा भारत दौरा है और साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट CEO 2 साल पूरे कर रहे हैं. एप्पल चीफ टिम कुक के बाद अब माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्य नडेला इस महीने के अंत में भारत दौरे पर आ रहे हैं. हैदराबाद में जन्मे सत्य नडेला की पिछले 7 महीनों में ये भारत की तीसरी यात्रा होगी. नडेला के आगमन पर माइक्रोसॉफ्ट 30 मई को एक समारोह भी आयोजित करेगा जिसमें MOS फॉर फाइनेंस जैन सिन्हा माइक्रोसॉफ्ट चेयरमैन भास्कर प्रमाणिक मौजूद रहेंगे. नडेला अपनी ट्रिप के दौरान स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योर्स और डेवलपर्स को संबोधित करेंगे. नडेला इस इवेंट में वर्ल्ड की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी कैसे नए इनोवेशन को प्रमोट कर रही है और साथ ही ये इनोवेशन भारत को कैसे ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगी इस पर बातचीत करेंगे. यही नहीं माइक्रोसॉफ्ट चीफ सत्य नडेला भारत के कुछ चुनिंदा 100 से 150 कॉर्पोरेट जगत के टॉप एग्जीक्यूटिव से भी मुलाकात करेंगे. 47 वर्षीय नडेला ने फरवरी में बतौर माइक्रोसॉफ्ट के CEO के 2 साल पूरे किए हैं. नडेला पिछले साल दिसंबर में इंडिया आए थे. उस दौरान उन्होंने आंध्र प्रदेश के CM एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की थी. इससे पहले नवंबर में नडेला ने मुंबई में माइक्रोसॉफ्ट के इवेंट फ्यूचर अनलीज को एड्रेस किया था. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया.